नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। तो आज के सेशन में हम कैसे जो है अग्निवीर वायु के लिए जो एयरफोर्स के द्वारा पोस्ट निकाली गई है, कैसे उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है 24 जून को, और लास्ट डेट जो है वो 5 जुलाई को है। सबसे पहले हम कोई भी जो है क्रोम ले लेंगे और इसमें सर्च करेंगे www.agniwayu.cdac.in। जैसे ही आप इस पे जाओगे तो सबसे पहले लिंक पे क्लिक करोगे, और इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मांगेगा। तो साइन इन ऑप्शन में अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तब तो आप जो है आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड भर सकते हैं। अदरवाइज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए सबसे पहले कैंडिडेट का नाम भरना पड़ेगा, जो कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट पे है। उसके बाद पेरेंट्स नेम, फादर नेम भरना होगा, अपनी ईमेल आईडी भरनी होगी। ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो बिल्कुल करेक्ट भरिए, क्योंकि आपका जो पासवर्ड आएगा और ओटीपी आएगा जीमेल पे ही आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंडियन है तो इंडिया से, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो नेपाल के सिटीजन्स के लिए भी है, तो आप जो है नेपाली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर मेल और फीमेल, और यहाँ पे मोबाइल नंबर बन के जनरेट ओटीपी करोगे। आप जो है 2 ओटीपी भरोगे, एक तो आपकी मेल पर आएगा यहाँ पे आपने भरना है, और उसके बाद जो मोबाइल पे आएगा वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद जैसे ही आप कैपेचा भरोगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे साइन अप करोगे, और आगे जो है लॉग इन पे द्वारा क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है अपनी ईमेल एड्रेस भरना होगा, और जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस भरोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ये मांग रहा होगा कि पासवर्ड। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कोई पासवर्ड ऐसा जो है जनरेट ही नहीं किया इससे पहले, तो आपने क्या करना है, अपनी मेल खोलनी है। और जैसे ही आप अपनी मेल खोलोगे, तो आपको वहां पे इसका जो है पासवर्ड आया पड़ा होगा, तो आपने वहां से क्या कर लेना है, इसको एज इट कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद वहां पे जो है पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको जो कैपेचा भरने के लिए बोलेगा, तो जैसा जो कैपेचा है आप वैसा ही भरोगे। और उसके बाद साइन इन करोगे, तो जैसे ही आप साइन इन करोगे, तो यहाँ पे आपको मांगेगा कि आप जो है अपना नया पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, कोई भी एक तो इसमें जो है डिजिट आनी चाहिए, एक अपर केस लेटर आना चाहिए और लोअर केस भी आना चाहिए, और साथ ही साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है पासवर्ड अपना सेट कर रहा हूँ, ये एक डेमो क्लास है आपके लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप जो है सबमिट करोगे, तो यही बोलेगा कि आप जो है चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भरनी होगी, और जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी भरोगे, और जो आपने पासवर्ड सेट किया था उसको जो है आप यहाँ पे भर दोगे, और उसके बाद कैपेचा भरोगे। और फिर साइन इन पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की जो है आ रहा होगा। सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद, यानी कि बच्चे जो है वो 10th पास होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, +2 जो है मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इंग्लिश में जो है आपको पास होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन भर सकता है, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और फाइनल जो मार्कशीट है वो अप्लाई करते समय आपको होनी चाहिए। उसके बाद या फिर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होना चाहिए आपके पास मार्कशीट का, और उसके बाद इंटरमीडिएट यानी कि +2 अप्रूवल सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटो होनी चाहिए जो कि ज्यादा पुरानी ना हो। और उसके बाद कैंडिडेट का जो है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जो है इमेज भी होनी चाहिए, और कैंडिडेट के सिग्नेचर की इमेज होनी चाहिए।
और कैंडिडेट के फादर और मदर के गार्डियंस जो भी हैं उनकी मदर सिग्नेचर इमेज होनी चाहिए अगर बच्चे की एज जो है 18 साल से कम है। और सारी की सारी जितनी भी आपने जो अपलोड करनी है वो जेपीजी में अपलोड होगी, और आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो 250 होगी, जिसको कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी से भी जो है कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंडेटरी है कि आपका जो है आधार कार्ड नंबर भी होना चाहिए, और कुछ ऑप्शनल भी हैं अगर वो असम, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, तो उनको जो है आधार कार्ड के साथ साथ एग्जामिनेशन हॉल में जम्मू एंड कश्मीर, असम, मेघालय जो भी उसका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी लाना होगा अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है जो कि मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ मेल ही भर सकते हैं जो कि इंडिया और नेपाल से हो, और फीमेल जो कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे टिक करना है आई हैव रीड दी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड फॉर कंप्लियंस, और उसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप करना है। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, और आपने यहाँ पे ये मांग रहा है कि आपने एक बार जो है आपको मिलेगा, उसके बाद आपको क्या होगा चेंज करने के लिए आपको नहीं मिलेगा, और आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कर देना है। उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते चलोगे ठीक है, तो ये नाम और अपने पेरेंट्स का नाम तो इसने पहले से उठा लिया क्योंकि जब हम साइन अप कर रहे थे तो वहां पे हमने भर दिया था। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और साथ ही साथ जहाँ पे आप जो है 10th की जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लगाओगे, नंबर, और ये अगर आप जो है एक्स सर्विस मैन है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अदरवाइज जो है आप सिविलियन पे क्लिक करोगे ठीक है। अनमेरिड अपने आप उठा लेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी होगी आपने, और जैसे ही क्वालिफिकेशन डिटेल बाद एडिशनल डिटेल्स, और उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल, और फिर फोटो एंड क्या करना होगा सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। और जैसे ही आप सिग्नेचर और फोटो अपलोड करोगे उसके बाद आपको जो सिलेक्ट सिटी मांगेगा कि आपने कहाँ पे जो है अपना पेपर देना है, तो आप कोई भी जो है सेंटर जो भी आपका नजदीक पड़ता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट सबमिट कर सकते हो, और पेमेंट करने के बाद आप जो है अपने एप्लीकेशन और साथ ही साथ जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करके इन फ्यूचर के लिए एडमिट कार्ड के लिए आप जो है अपना रख सकते हो। फर्दर भी आपकी कोई फिर भी कोई क्वेरी है तो आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में हमारा नंबर दिया रहेगा उस पे आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे।